तो दीपक शर्मा ने सुनो बहन जी सुन जाइए आप। अरे चुप रह। अरे भैया सुनो यार, नहीं आप सुन जाइए ना, सुन तो लो भैया, सुन जाओ ना, मिलने आइए, सुन लो ना, सुन जाओ ना। अरे सुना तो सही, सुनो आराम से बात करो। सुनो बहन जी सुन जाइए आप। अरे चुप रह। तो देखा आपने विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेता और बजरंग दल के कार्यकर्ता के बीच गर्मा गर्म बहस का ये वाकया। अरे अब आप सोच रहे होंगे कि हिंदूवादी संगठन के लोग यहाँ आपस में आखिर लड़ क्यों रहे हैं। तो आपको बता दें कि साध्वी प्राची यहाँ पर राष्ट्र स्वाभिमान दल के जिला प्रभारी शिवम की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद उनके परिजनों से मिलने के लिए आई थी। लेकिन यहाँ मौजूद बजरंग दल के कार्यकर्ता साध्वी और उनके सहयोगियों से कुछ इस तरीके से बहस करने लगे। तो दीपक शर्मा ने सुनो बहन जी सुन जाइए आप। अरे चुप रह। अरे भैया सुनो यार, सुन जाइए ना, सुन तो लो भैया, सुन जाओ ना, मिलने आइए, सुन लो ना, सुन जाओ ना। अरे सुना तो सही, सुनो आराम से बात करो। दरअसल साध्वी प्राची से बहस कर रहे हिंदूवादी संगठन के लोगों ने साध्वी के करीबी एक शख्स को शिवम की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसे सुनते ही साध्वी भड़क उठी। तो दीपक शर्मा ने सुनो बहन जी सुन जाइए आप। अरे चुप रह। अरे भैया सुनो यार, सुन जाइए ना, सुन तो लो भैया, सुन जाओ ना, मिलने आइए, सुन लो ना, सुन जाओ ना। अरे सुना तो सही, सुनो आराम से बात करो। यही नहीं, बजरंग दल कार्यकर्ताओं की प्राची के साथ आए लोगों से भी धक्का मुक्की हो गई। बजरंग दल जिला संयोजक ने तो साध्वी और उनके सहयोगियों पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया। तो बहसबाजी का ये वाकया काफी देर तक चला। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं का कहना था कि वो लोग साध्वी से अपने दिल की बात कहना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी की बात को ही नहीं सुना। हालांकि लोगों के विरोध को देखकर साध्वी प्राची वहां से निकल गईं, लेकिन मौके पर मौजूद LIU कर्मियों ने जैसे तैसे मामले को शांत तो कराया। वहीं LIU कर्मियों ने पूरे मामले का वीडियो भी बना लिया। सुनो बहन जी सुन जाइए आप। अरे चुप रह। संवाददाता अखिलेश वाशने के साथ वीडियो डेस्क अमर उजाला TV हाथरस।